गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं बबीता आप सभी का स्वागत करती हूं। तो देखिए, आ गए डेली रूटीन में। तो मैंने गैस पर देखिए एक तरफ कुकर रख दिया है और कुकर में ये तेल डाल दिया है गर्म होने के लिए, और चावलों के लिए मैंने भगोने में पानी रख दिया है। तो देखिए, मैंने एक प्याज को मिक्सी में पीस लिया है और ये अरबी में ये काटने वाली हूँ। तो देखिए, तेल हो चुका है और मैंने अजवाइन छोड़ दिए। उसके बाद मैं इसमें ये प्याज ऐड करने वाली हूँ। एक प्याज ली थी मैंने ये मीडियम साइज़ की, और कुछ लहसुन की कलियाँ, और मैंने एक टमाटर को अच्छे से पीस लिया है मिक्सी में। प्याज भुन चुकी है, अब मैं ये टमाटर ऐड करने वाली हूँ। तो देखिए, पानी भी गर्म होने वाला है। अब मैं ये थोड़ा मसाला तैयार कर लेती हूँ। तो मैंने मिर्च 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, और देखिए हल्दी 1/2 चम्मच, थोड़ी तीखी बनाने वाली हूँ, और गरम मसाला, और बाद में ये मैं नमक। प्याज भुन चुकी है, अब मैं ये मसाला छोड़ दिया मैंने इसमें, और पानी भी गर्म हो चुका है। तो देखिए, अब मैं ये चावल धोकर अच्छी तरह से भगोने में डालने वाली हूँ। चावल भी डाल दिए हैं, तो देखिए मसाला भी तैयार हो रहा है और चावल भी मैंने ये डाल दिए हैं। और एक बार इनको चला देना है, और मसाला भी हो चुका है। तो मैंने इसमें अरबी ऐड कर दी हैं, और अरबी को मसाले में अच्छी तरह से भूनना है। और देखिए, चावल हो चुके हैं, तो अब मैं इनका पानी, जिसे मांड कहते हैं, वो अलग करने वाली हूँ। और हमारी ये सब्जी भी बन चुकी है अरबी की, और आटा मलने की तैयारी। तो देखिए, आटा भी मैंने ये मल लिया है, गूंथ लिया है आटा, और रोटियां बनानी स्टार्ट कर दी हैं। ये हमारा डेली रूटीन है, ये हमारा डेली रूटीन है। तो लंच रेडी हो चुका है, अब मैं इसको लगा देती हूँ थाली में, और वो ड्यूटी जाने वाले हैं तो उनको सर्व करके मैं देने वाली हूँ। तो देखिए, बाबू भी नहा चुका है, इसको रेडी कर रही हूँ मैं। अब नहाने के बाद कपड़े पहनने में ये बहुत परेशान करता है। तो देखिए, बाबू को भी मैंने ये अच्छे से कपड़े पहना दिए हैं, और थोड़ी बातों में लगाना पड़ता है जब इसको कपड़े पहनाती हूँ मैं, वरना इधर उधर भागता है ये। बहुत मुश्किल होता है बच्चों को संभालना। तो देखिए, मैं कंघा ढूंढ रही हूँ और ये भाग चुका है, बाल कड़वा नहीं रहा ये। वो थोड़ा सा खेलना पड़ रहा तो भाग के कंघा लेना आ चुका है, और मैंने पकड़ लिया है इसको। देखिए कितनी शरारत कर रहा है वह। तो अच्छे से बाबू को रेडी करना है। यहाँ पर बाबू अगर रेडी हो जाएगा तो सब काम हो जाएंगे। और देखिए, ये भाई के अपने बाल काट रहा है, थोड़ी सी मस्ती है अपने भाई के साथ कर रहा है। दोनों भाई मिलकर खेल रहे हैं, और ये लेके भाग गया कंघा। तो देखिए, थोड़ी मस्ती होने वाली है दो भाइयों की। वो भाई को भी रेडी कर रहा है ये, और गर्म ने अब कंघा ले ला तो वो अपने बाल अब सही कर रहा है, क्योंकि बाबू उसके बाल बिगाड़ चुका है। और देखिए, ये उछल कूद शुरू हो गई है हमारे घर में इस तरह से। कितने अच्छे से मैंने कमरे को सेट किया था, पर ये रोज़ करना पड़ता है मुझे, काफ़ी सामान इधर उधर हो जाता है। और देखिए, थोड़ा मस्ती टाइम हो रहा है, ये छुट्टियाँ चल रही हैं। तो तीनों बच्चे मेरे, और एक ये मनीषा आ गई है बच्चों के साथ खेलने के लिए, और हम भी थोड़े से एडजस्ट हो रहे हैं इनमें, देख रहे हैं हम भी, पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं सभी। थोड़ा सा 2-4 मिनट का टाइम बच्चों के साथ स्पेंड करने में जो आनंद आता है, वो और कहीं नहीं होता। देखिए, बच्चे शिकायत करते हैं मम्मी लूडो नहीं खेलती हैं, तो टाइम की थोड़ी प्रॉब्लम है, टाइम नहीं मिलता, इसलिए मैं बच्चों के साथ लूडो नहीं खेल पाती हूँ। तो देखिए, फुल मस्ती हो चुकी है, अब थोड़ा सा काम देखती हूँ। तो थोड़ा सिलाई का काम रह गया था, कल ब्लाउज बनाने वाली थी मैं, और आज ये जाएगा क्योंकि शाम को शादी है, तो ये जल्दी से रेडी करना है मुझे। तो पहले मैं इसको रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद मेरी कटिंग बाकी है, तो मैं कटिंग करने वाली हूँ इसके बाद। तो देखिए, थोड़ा शादियों का फंक्शन है, तो सिलाई भी अच्छी खासी
आ जाती है, तो जल्दी से अपने घर का काम ख़त्म करने के बाद मुझे सिलाई भी करनी होती है घर के काम के साथ साथ। बच्चों को संभालना, खाना, लंच, डिनर सब तैयार करने के बाद जैसे ही टाइम मिलता है कटिंग या सिलाई में शुरू कर देती हूँ। तो ब्लाउज़ तैयार हो चुका है और कुछ ब्लाउज हैं मेरे पास, ये इनकी मैं कटिंग करने वाली हूँ, क्योंकि अगर कटिंग टाइम पर हो जाती है तो सिलाई करने में थोड़ी आसानी रहती है और टाइम की बचत हो जाती है। सभी अगर कटिंग होती है तो जल्दी से काम फिनिश करके मैं सिलाई पर लग जाती हूँ, और थोड़ा इसी समय बीच बीच में उठकर बच्चों पर भी ध्यान देना पड़ता है। देखिए छुपाना क्या है, जब फ्री टाइम होता है तो मैं काफ़ी सिलाई करती हूँ, और सिलाई करना कोई बुरी बात थोड़ी ना है। तो देखिए दोपहर का टाइम हो चुका है और मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब थोड़ा ये मेरा सिलाई का काम रह जाएगा, अगर कटिंग हो जाएगी तो मैं शाम तक आराम से सारे कपड़े जो मैंने कटिंग किए हैं वो सिल लूँगी। तो देखिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें, और जुड़ें हमारे ब्लॉग से। आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है? अगर अच्छा लगता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। देखिए काफ़ी मेहनत होती है घर के काम में भी, ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं है घर का काम और बच्चों को संभालना, तो प्लीज़ सपोर्ट करें, इसी तरह से हम अपने ब्लॉग लाते रहेंगे। तो देखिए शाम तक सिलाई के लिए जितनी कटिंग मुझे चाहिए थी मैं कर चुकी हूँ। तो मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में।